हमारे पेरिस के चेयरमैन श्री पादरी इनोसोको कल ही हम लोगों को बताया गया कि जितने भी पुरोहित जन रहते हैं उनके नाम क्या थे, श्री नहीं करता, रोहित पूजिए, प्रादेश पूजिए, ऐसा कट्टे मत कीजिएगा कभी। और अंतिम प्रश्न है, प्रेरितों का विश्वास धर्म को एक साथ घोषणा कीजिए। चलिए 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 और जो पवित्र आत्मा से घर में आया कुमारी मरने से उत्पन्न हुआ आंखी उस से आगे से पुष्पाया पुरुष में चढ़ाया गया माँ के यहाँ गाड़ा गया पताल में उतरा उससे भी मृत्यु में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और सुरक्षित माँ के कायना का जा बैठा है जहाँ सारे मृत्यु और मृत्यु का विचार करने को फिर आएगा मैं विश्वास करता हूँ अपने आत्मा पर एक पानी का इच्छा पर पर्चनों की संगत और पापों की क्षमा तो मंडली के सामने विश्वासियों के समक्ष हमारे गिरीकृत अभिलाषी जवान और युवतियां आप लोगों के सामने जो प्रश्न पूछा गया क्या इनके जवाब से इनके आंसर से आप लोग संतुष्ट हैं? इधर हम लोग वाहनों की ओर से बोलेंगे तो इनका गृहापन क्लास संपन्न किया जाए या गृहापन दिया जाए? बोलिए बोलिए दिया जाए। इधर से हमारे जितने भी जवान और विश्वासी भाई लोग हैं सब लोग आप लोगों के समक्ष मंडली के सामने इनसे जो प्रश्न पूछा गया ये लोग जवाब दिए इससे आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। चलो इसके लिए आप सबों को धन्यवाद और हमारे पीढ़ी के अभिलाषी जवान और युवतियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, अपने को प्रभु में, प्रभु के वचन में, प्रभु यीशु मसीह में पुख्ता करने और दृढ़ करने के लिए तो धन्यवाद। चलिए इधर बैठ जाइए। ऐसा लग रहा अच्छा पास होगी ना तो मिठाई तो जरूर खिलाओ फिर तो इधर अंतर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परीक्षा को पास होने करके परीक्षा को पास होना करने एक ऐसा लग के उम्र के मुरुख खुशी लगती ला खुशी थी नेका फेटा ना लग मेरे पास बंद कर दो ये पास बंद कर ले बात बात करते जैसे लगना नहीं सुनता है लगना अन्य तो बने तो अन्य मन में तकत करके ना बहुत खुशी और आनंद की बुलाई किए और अंतिम तरीके ना पास मन्नत करना और अंतिम ना यीशु सुनाते हैं परिपक्व ये का तो दृढ़ मन का लो और अंतिम काला की और ये अंतिम अन्य खुशी उन्हें काम रखो हाथ रख दी क्या क्या तो आप उसके पास चेयरमैन बनना सलाह दस का तो ये चॉकलेट लिप जूस से कल मार चल गो लड्डू लड्डू बना दिए छोटे छोटे लड्डू बना कुमार को बना ठीक तो आप कैसे बड़ा अंति कार्यक्रम वो अंति आगे बढ़ा पाते हैं ना अंति अकुम कार्यक्रम मंडली समाप्त करते हैं ना नाम जून अपने नाम और मत आकर बैठी ला इंद्रा मंदिर घोषणा कलिसिया की स्थापना दिवस के अवसर पे ये तोमा मंडली तक के ती पुकारी थी मेरी का नाम 7 बजे गिरजा उतर करने में ती गुरुवार उला 9 तारीख मंदिर और अंतिम नाम ये उला थी ये घोषणा कलिसिया की ती स्थापना दिवस की अंतिम गिरजा रखना तुलेंती नाम धर्म से नंती धन्यवाद जी ठीक इति संबंध में और तक का रही एकता जे कहती
सुंदरगढ़ पेरिस नजदीकी मंडली समाज राजा मंडल दड़पानी अंति नौका भर चिकी कई बड़ी तीन ठू मंडली नसरती नाव चूंगा तो कलिशिय स्थापना दिवस अपनती मना लगनर और करती अति नाम तो बुनियादी जितना देती संदेश में ना लगनर वो मारती करती समाज राजा मुंडा दड़पानी अच्छा समाज और मंडली अति संपन्न मन आओ जाते और मर अति नौ तारीख वाला समाज और काल के और असर करते आदमी लाभ उठा सके ठीक धन्यवाद इतना विषय वस्तु पर दिमाग से बोले ठीक अगला समाचार अकुल अति जिहा मन का करते बिहार को अतु तिमुंद अति ने कहे जाते बेंजा धनिया बात करते अति बराशा है अब हम तिमुंद बारे बच्चे को नेता है बेंजा ने बात को अचानक अब रवती बस जी को और ये भी अगवे तीन हमें चेयरमैन बंगस को कृपया कार्य चाहे सबको इधर के समय लंबा होना नहीं इस समय हम लोग देवी के सम्मुख में हम सबको परिवार को हम देखने पाते हैं। बीते समय में इस्टोपो परिवार में एक बड़ा कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था। 30-31 मई को और उस बड़े प्रोग्राम में बड़े कामों में परमेश्वर पूरे परिवार के साथ में रहा। परिवार में हर एक प्रकार की जो भी घटी कमी सभी को उसने पूर्ण किया और उसी की अगुवाई में होकर के ये इस कार्यक्रम को संपन्न करने पाते हैं, अपने जीवन में सफलता को देखने पाते हैं, परमेश्वर की आशीष को देखने पाते हैं। और इस समय धन्यवाद देने के लिए बीती के सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग इसको परिवार के साथ में मिलकर के हम सभी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। हम अगुवाई के लिए वचन देखेंगे जो हमें मिलता है वचन संहिता की पुस्तक उसका 103 उसका 1-4 पर। वचन संहिता 103:1-4 परमेश्वर का जीवित वचन ऐसा लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वही जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे तमाम उत्तम आशीषों को देने वाले महान जीवित यहोवा पिता परमेश्वर तिथि कर आपके पवित्र चरणों तले आते हैं और सुंदर समय अवसर के लिए आप लोगों परिवार के साथ में मिलकर पूरे मंडली पेरिस होकर के आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्यारे पिता जब हम अपने पिछले जीवन को देखने पाते हैं, आपकी दया और अनुग्रह को देखने पाते हैं, आपकी आशीष को देखने पाते हैं, आप प्यारे पिता यह जो सबको परिवार है हम जानने पाते हैं, बीते